एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि गेट बैक टू का इस्तेमाल कैसे करते हैं, लेकिन आपने यहाँ ये नहीं बताया है कि गेट बैक टू के बाद क्या, यानी गेट बैक टू के बाद कभी हम नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं और कभी हम वर्ब लिखते हैं, और जब गेट बैक टू के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा जाता है तो उसका मीनिंग कुछ और होता है। वही दूसरी तरफ जब गेट बैक टू के बाद कोई वर्ब लिखा जाता है तो उसका मीनिंग कुछ और होता है। तो व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में ये नहीं बताया है कि गेट बैक टू के बाद क्या, कोई नाउन या प्रोनाउन या वर्ब। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको दोनों कंसेप्ट समझा देता हूँ कि जब गेट बैक टू के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन होगा तो उसका क्या मीनिंग होगा, और जब गेट बैक टू के बाद कोई वर्ब होगा तो उसका क्या मीनिंग होगा। जब हम गेट बैक टू के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, यानी अभी मैं किसी दूसरे काम में बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। वही दूसरी तरफ जब हम गेट बैक टू के बाद कोई वर्ब लिखते हैं तो उसका मतलब होता है किसी काम में दोबारा लग जाना। लगता है आप समझे नहीं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को शानदार तरीके से समझ सकें। अगर हम बात गेट बैक टू प्लस नाउन या प्रोनाउन की करें, यानी गेट बैक टू के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिखे तो इसका मीनिंग होता है बाद में बात करना या बाद में मिलना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं तुमसे आधे घंटे में बात करूंगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई विल गेट बैक टू यू विद इन हाफ एन आवर, यानी मैं तुमसे आधे घंटे में बात करूंगा। अगर आपको कहना हो मैं पता लगाऊंगा और आपको बाद में बताऊंगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई विल फाइंड आउट एंड गेट बैक टू यू, यानी मैं पता लगाऊंगा और बाद में आपसे बात करूंगा। अगर आपको कहना हो यहाँ इंतजार करो मैं तुमसे 5 मिनट बाद मिलूंगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वेट हेयर आई विल गेट बैक टू यू इन 5 मिनट्स, यानी यहाँ इंतजार करो मैं तुमसे 5 मिनट बाद मिलूंगा। हो सकता फ्रेंड्स आप यहाँ सोचें कि यहाँ मैंने अपने सेंटेंस में बोला बाद, लेकिन वर्ड बाद के लिए मैंने आफ्टर का इस्तेमाल नहीं किया जबकि मैंने इन का इस्तेमाल किया। ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा फ्यूचर टेंस में आफ्टर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जैसा कि आप जानते हैं प्रेजेंट और पास्ट टेंस में। मैं के लिए इन और बाद के लिए आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर आप कहेंगे 5 घंटे में, 10 घंटे में या 2 दिन में, तो अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट या पास्ट का है तो आप मैं के लिए लिखेंगे इन, और वहीं अगर मैं कहूँ 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 4 घंटे बाद, तो यहाँ वर्ड बाद के लिए आप आफ्टर का इस्तेमाल करेंगे अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट या पास्ट में है तो। लेकिन अगर हम बात फ्यूचर टेंस की करें तो फ्यूचर टेंस में आफ्टर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। फ्यूचर वाले सेंटेंसेज में मैं के लिए विद इन और बाद के लिए इन का इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर आपको कहना हो 5 मिनट में, यानी 5 मिनट के अंदर, तो आप कहेंगे विद इन 5 मिनट्स, और अगर आपको कहना हो 5 मिनट बाद तो आप कहेंगे इन 5 मिनट्स। याद रहे कि आप ऐसा तभी करेंगे जब आपका सेंटेंस फ्यूचर में हो। यानी छोटा में आप ऐसा समझ सकते हैं कि फ्यूचर टेंस में मैं के लिए विद इन और बाद के लिए इन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फ्यूचर टेंस में आफ्टर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आइए अब गेट बैक टू प्लस वर्ब का कंसेप्ट समझें। जब गेट बैक टू के बाद कोई वर्ब आता है तो इसका मीनिंग होता है किसी काम में दोबारा लग जाना। जैसे चलो दोबारा काम शुरू करें, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे लेट्स गेट बैक टू वर्क। अगर आपको कहना हो उसके बाद मैं दोबारा नहीं सो सका, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कुडंट गेट बैक टू स्लीप आफ्टर दैट, यानी उसके बाद मैं दोबारा नहीं सो सका। अगर आपको कहना हो हम हॉस्पिटल दोबारा आ रहे हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वी आर गेटिंग बैक टू हॉस्पिटल, यानी हम लोग हॉस्पिटल दोबारा आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ इन दो वर्ड्स के बीच के डिफरेंसेस आपको समझ में आ गया। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए बाय।